हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा डियर जिंदगी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कहीं ना कहीं इस फिल्म को अब 11 दिन हो चुके हैं और इन 11 दिनों में किस तरह से कलेक्शंस रहा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फर्स्ट वीकेंड की। फर्स्ट वीकेंड में इस फिल्म ने 32 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था और बाकी वीकडेज में करीबन करीबन 3 करोड़ का बिजनेस बाकी दिनों में किया था। और सेकेंड वीकेंड भी इसके लिए अच्छा रहा। सेकेंड वीकेंड यानी कि सेकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे इस फिल्म ने 10 करोड़ के ऊपर की अर्निंग की थी। और कहीं ना कहीं ओवरऑल इसका जो टोटल हुआ था 10 दिन का वो हुआ था 57.10 करोड़। अब उसमें आप 2 करोड़ और जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग लगभग सेकेंड मंडे को इस फिल्म ने जो कमाई की है 2 करोड़ तक की कमाई की है। यानी कि फिल्म का कलेक्शंस लगभग आप पकड़ लीजिए 59.10 करोड़। यानी कि फिल्म धीरे धीरे खिसक रही है आगे और अच्छे कलेक्शंस के साथ आगे बढ़ रही है। और आई थिंक 59.10 करोड़ कोई बुरा कलेक्शंस नहीं है और आने वाले दिनों में इसके कलेक्शंस में ग्रोथ होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ तब तक होगी जब तक ये हफ्ता जाता है, क्योंकि इसके तीसरे वीक में इसे टक्कर मिलेगी बेफिक्रे से। तो कहीं ना कहीं उस समय जाकर बहुत दिक्कत होगी इस फिल्म को। फिलहाल ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है कहानी 2 को और जिसका कलेक्शंस काफ़ी धीमा हो गया इसके वजह से। तो अब देखते हैं किस तरह से डियर जिंदगी अपनी एक राह पकड़ती है थर्ड वीक में। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शंस होगा वो 80 से 85 करोड़ इंडिया में आराम से होगा। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।